They are not for the faint-hearted. How is that even a form of marriage? मर्द कितनो अपने नो कंट्रोल कर देने जो इन औरतों ने किया उसे जौहर के नाम से जानते हैं. ये करो करो बड़े बहादुर हो. Let that sink in, guys. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Boys will be boys. औरतें लूट के ले जा सकता है. ये हिंसा का लीगल थम्स अप. आ जाइए मनु जी. राजा धीराज द ग्रेट क्रिमिनल उसका नाक काट दिया. चोला राजा अपनी स्लेव्स बना लेते थे. लंपट एक निहत्थी लड़की को जो जंग का पाठी नहीं थी उसका नाक काटकर नाच रहा इंस्क्रिप्शन मेक्स मी गैग. यू थोड़ा दिल दहला देने वाला है. हेलो हेलो नमस्कार. आपका स्वागत है आयशा अरुण इतिहास के एक नए एपिसोड में. मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा. मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं. इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है. आप अपनी जिज्ञासा वश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए. आयशा अरुण इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक आईशैडो की लुक करती हूँ एक हिस्ट्री के टॉपिक के साथ. तो अगर आपको आईशैडो पसंद है या इतिहास या दोनों ही तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अगर आप चैनल को किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स बटन मौजूद है या फिर आप मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट्रियन की लिंक भी मौजूद है. और इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक या एपिसोड इंट्रोड्यूस करूँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर. आज जो इंसिडेंट्स मैं बताने जा रही हूं दे आर नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. काफी विचलित कर सकते हैं. जब मैं भी इन्हें पढ़ रही थी तब मुझे भी काफी तकलीफ हुई एज अ वुमन. तो एनी वुमन जिनको हो सकता है ट्रिगर लगे एक्सरसाइज ऑल कॉशन. और मैं आशा करती हूं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे. तो आज के वीडियो में मैं चार ऐसे इंसिडेंट्स लेकर आई हूं जिनसे साफ हो जाता है कि भारतीय इतिहास में औरतों के साथ किस तरह के जघन्य अपराध होते थे. हर इंसिडेंट से औरतों के खिलाफ हो रहे नए तरीके के तशद्दुद के बारे में पता चलता है. जला देना, नाक काट देना, उठा ले जाना, जोर जबरदस्ती करना वगैरह. हर एक फॉर्म ऑफ हिंसा के पीछे एक इंटरेस्टिंग टाइप की मिसोजिनी के बारे में पता चलता है. और आज हम वही देखेंगे इस येलो लुक के साथ. तो चले फिर. तो सबसे पहला इंसिडेंट थोड़ा दिल दहला देने वाला है. इसका वर्णन एक इंस्क्रिप्शन में हुआ है जहां लिखा है कि वीर राजेंद्र चोला प्रथम यानी वीर राजेंद्र चोला द फर्स्ट के अहद के फोर्थ ईयर में यानी 11th सेंचुरी सीई में चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने अपनी आर्मी भेजी अपने महादंड नायक समुद्र राज के अंडर और वीर राजेंद्र के खिलाफ. इस आर्मी ने वेंगईनाड में इन्वेड किया और इस जंग में वीर राजेंद्र ने समुद्र राज को हरा दिया और उनको मार दिया. उनको मारना ही पर्याप्त नहीं था, वीर राजेंद्र ने फिर समुद्र राजा का सर धड़ से अलग किया और समुद्र राजा की एक लौती बेटी नगलाई को जो कि इरगुएन की प्रिंसेस थी उसका नाक काट दिया. इंस्क्रिप्शन बताती है कि नगलाई खूबसूरती में मोर यानी पीकॉक के समान थे. तो उसका नाक क्यों काटा भाई, वो तो इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं थी. एनालाइज करने के लिए इंस्क्रिप्शन की प्लेसमेंट पे नजर डालते हैं. ये इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु के करवर में स्थित पशुपतेश्वरा टेम्पल की साउथ वॉल पे है और बेसिकली एक लैंड ग्रांट है इसी मंदिर के लिए जिसे एक पूरा गांव दान में दिया गया वीर राजेंद्र द्वारा. इंस्क्रिप्शन एक मै कृति है यानी यूलोजी मतलब एक प्रशस्ति वीर राजेंद्र के लिए कि वो बहुत ग्रेट है इसीलिए तो उन्होंने ना केवल समुद्र राजा को हराया और मारा बल्कि उनका सर अलग किया और उनकी बेटी का नाक भी काटा. इस शर्मनाक एक्ट को वीर राजेंद्र की ग्रेटनेस का एग्जाम्पल बताया गया है. लेकिन उन्होंने नगलाय का नाक ही क्यों काटा,
दाऊद अली जो यूपन में हिस्टोरियन है वो अपने पेपर में बताते हैं कि डिफेसमेंट यानी शक्ल खराब करना एक कॉन्क्वेस्ट का साइन है, यानी वर्चस्व कायम करने का। इनफैक्ट नाक काटने का मतलब सब कॉन्टिनेंट में होता है टू बी डिसग्रेस्ड, यानी बदनामी की निशानी। इसीलिए यहाँ नगलाय का बेहद खूबसूरत होना भी मेंशन किया गया है। वीर राजेंद्र वो शूरवीर हैं जिन्होंने इतनी परफेक्ट चीज को खराब कर दिया। ऑफ कोर्स एक निहत्थी लड़की को जो जंग का पाठी नहीं थी उसका नाक काटकर नाच रहा है इंस्क्रिप्शन लंपट। पर क्यों दी गई ये बदनामी की निशानी नगलाय को? ये निशानी नगलाय की कम्युनिटी यानी वीर राजेंद्र के दुश्मन की कम्युनिटी के ऑनर को बदनाम करने की निशानी भी है, क्योंकि औरतों को कम्युनिटी ऑनर यानी एक समुदाय की आन बान शान की फ्री रिपोजिटरी माना जाता है, तो उन्हें डिस्ग्रेस करना मतलब समुदाय को डिस्ग्रेस करना। पितृसत्ता में यानी पेट्रियार्की में ऐसी घटिया सोच काफी आम थी और है। इनफैक्ट ये सरेआम होता था और कई बार होता था औरतों के साथ। ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल से पता चलता है। इंसिडेंट नंबर टू भी एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जहां राजा केसरी वर्मन यानी राजा अधिराज चोला जो कि राजराज चोला के पोते और राजेंद्र चोला के बेटे थे, उन्होंने अपनी अहद के 29वें साल में यानी 1046 CE में सेलन यानी श्रीलंका के पांड्या राजा वीर सलामगन पे अटैक किया। लेकिन सलामगन फॉलोइंग दिस लॉन्ग टायरिंग ट्रेडिशन ऑफ हिंदू किंग्स रनिंग फ्रॉम द बैटलफील्ड मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन ही डिड बेटर, वो हारने के बाद ही भागे थे। एनीवे, तो राजाधिराजा ने सलामगन की बड़ी बहन और बेटी को उठा लिया और सलामगन की माता जी का नाक काट दिया। इंस्क्रिप्शन फिर कहती है कि इस डिस्ग्रेस का बदला लेने के लिए वीर सलामगन फिर मैदान में आए, पर इस बार हारने बाद उन्हें फौत होना पड़ा। ये भी एक मैकृति है जो कि मणिमंगलम तमिलनाडु के राजगोपाल पेरुमल टेंपल की दीवार पे है और टेंपल को लैंड ग्रांट देती है। ये मैकृति हमारा काम काफी आसान कर देती है ये बताकर कि घर की बहन बेटी को उठा ले जाना और नाक काट देना वगैरह एक डिस्ग्रेस मानी जाती थी। इसे एक एक्ट ऑफ इनह्यूमैनिटी यानी अमानवीयता नहीं बल्कि एन एक्ट ऑफ डिस्ग्रेस बताया गया है, यानी शर्म की बात है कि आपकी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। शर्म आपकी है, बेटी की है, माँ की है, बहन की है, पर ऐसा शर्मनाक काम करने वाले की नहीं। उसको इंस्क्रिप्शन में महान शूरवीर बताया गया है। राजाधिराज द ग्रेट क्रिमिनल नहीं, द ग्रेट किंग। इंस्क्रिप्शन ये भी साफ कर देती है कि वीर सलामगन जब वापस आए तो अपनी बहन बेटी मां के लिए नहीं बल्कि अपने ऑनर का बदला लेने के लिए। भाई अगर उन्हें मां बेटी बहन की फिक्र होती तो जब फरार हो रहे थे तब ना ले जाते। पहली तरह इस बार भी वीर सलामगन की मां बेटी और बहन जंग का हिस्सा नहीं थी। मैं ये बार बार क्यों कह रही हूं, अगर जंग का हिस्सा होती तो क्या नाक काटना जायज होता? नहीं, तब भी गलत होता। पर जंग में हिस्सा लेने वाले एक दूसरे पर अक्सर एक्सट्रीम अटैक्स करते हैं और वो अंडरस्टैंडेबल होता है, इवन इफ नॉट ऑलवेज जस्टिफेबल। लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन जो कभी जंग का हिस्सा ही नहीं थी, उन्हें यूं कैप्चर करना, टॉर्चर करना एक परवर्सनेस ही है। इंटरेस्टिंगली यहां पे राजाधिराज बेटी और बहन का नाक नहीं काटते, उन्हें उठा के ले जाते हैं। नाक सिर्फ मां का कटता है। क्यों? दाऊद अली के हिसाब से जंग में जीतने वाले चोल राजा अक्सर दुश्मन कैंप की औरतें उठाया करते थे, कुछ के नाक काट दिए जाते थे और बाकियों को चोला वेलम का हिस्सा बना दिया जाता था। वेलम जहां पेंतती रहती हूं, पेंतती यानी फीमेल स्लेव्स ऑफ द रॉयल हाउसहोल्ड।
इन औरतों को जंग के मैदान से उठाकर चोल राजा अपनी स्लेव्स बना लेते थे। ये स्लेवरी डोमेस्टिक भी हो सकती थी, यानी जहां इनसे पैलेस का काम वगैरह कराया जाता था, और सेक्सुअल भी, शारीरिक भी। और सिर्फ औरतें ही क्यों, दोनों इंस्क्रिप्शन औरतों को उनके नाक को एक प्राइज के तौर पे बताती हैं। उनका कैप्चर, उनकी नाक कटाई एटसेट्रा सैडली स्वर्णिम शब्दों में मेंशन है। क्या कभी किसी राजा के भाई, बेटे, पापा जी, अंकल, पड़ोसी वगैरह के साथ ही नहीं हुआ? इसका जवाब हमारा इंसिडेंट नंबर 3 देता है। औरतों के साथ हिंसा की बात हो और मनुस्मृति के मनुजी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ जाइए मनुजी, क्योंकि सिर्फ आप ही औरतों के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध को मान्यता दे सकते हैं। ये औरतों के साथ जोर जबरदस्ती करके उन्हें उठा ले जाना, उन्हें पेंतति बनाकर उनसे डोमेस्टिक या सेक्सुअल स्लेवरी कराना, उनका नाक काट देना वगैरह, सबको मान्यता मिली है मनुस्मृति के 2 वर्सेस से। सबसे पहला चैप्टर 3 में है, जहां टाइप्स ऑफ मैरिजेस की लिस्ट दी गई है। यहां 8 टाइप की मैरिजेस लिस्टेड हैं। पहली 4 यानी ब्रह्म, देव, अर्ष और प्रजापत्या को बेस्ट फॉर्म्स माना गया है ब्राह्मिन्स के लिए, रिकमेंडेड है और लीगल भी। लास्ट 4 काफी इंटरेस्टिंग है। गंधर्व बेसिकली लव मैरिज, औरत मर्द अपनी खुशी से पार्टनर चूज करते हैं। फिर असुरा, जब दहेज ना लेकर औरत की फैमिली को ब्राइड प्राइस यानी कन्या शुल्क दिया जाए। फिर राक्षसा, औरत को उसके घर से वायलेंटली उठाकर ले जाना, इवन दो वो रो रही हो, चिल्ला रही हो, और ऑल अराउंड डिस्ट्रक्शन हो। और लास्टली पैशाच, औरत के साथ सीक्रेटली फोर्स्ड सेक्स करना जब वो सो रही हो और ड्रंक हो या मेंटली साउंड नहीं हो। हाउ इज दैट इवन अ फॉर्म ऑफ मैरिज? दैट्स एन आउटराइट क्राइम। सरप्राइजिंगली मनु जी भी यही मानते हैं, बट इन बॉटम 4 में से 2 मैरिजेस क्षत्रिय के लिए अलाउड है। चैप्टर 3 वर्स 26 में, टेक अ गेस विच वंस। गंधर्व यानी वॉलंटरी लव मैरिज, नो मार्क्स फॉर गेसिंग। राक्षसा, औरत को जबरदस्ती उठाकर ले जाना इसके बावजूद कि वो रो रही हो, चिल्ला रही हो, ये मनुस्मृति के हिसाब से एक वैलिड मैरिज है। लेट दैट सिंक इन गाइस। ये औरतों के सम्मान का ढोंग क्यों रचा हुआ है भाई? ऑब्वियसली क्षत्रिय राजा महाराजा मैदानी जंग में औरतों के साथ जोर जबरदस्ती तो करेंगे, लीगल किताब में मान्यता जो मिली है उन्हें, इसे लॉफुल बताया गया है। औरतों के साथ जबरदस्ती लॉफुल। हाउ डू यू लिव विद योरसेल्फ मैन? इसीलिए तो चोला रूलर्स औरतों से जोर जबरदस्ती करके क्रिमिनल नहीं बल्कि पराक्रमी राजा बता रहे हैं अपने को। सोसाइटी के लॉज ही कहते हैं ये करो करो, बड़े बहादुर हो। एंड दैट्स नॉट इनफ, देयर्स अनदर वर्स। चैप्टर 7 वर्स 96 में मनुस्मृति के लिखा है कि मैदानी जंग में जो जीतता है वो हारी हुई सेना के रथ, हाथी, घोड़े, छत्र, पैसा, अनाज, पशु, औरतें लूट के ले जा सकता है। अगर ये सब किसी सैनिक ने लूटा हो तो इसका एक भाग राजा को जरूर देना चाहिए। वेयर यू हैव इट, लीगलाइजिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑन द बैटलफील्ड। औरतों के साथ जंग के मैदान में हिंसा का लीगल थम्स अप। लिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, हाथी, पशु वगैरह के साथ महिलाएं लिस्टेड हैं। डाउनराइट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, एज इफ वो बस एक वस्तु हो जिसको जंग में जीता जा सकता है। और इसी के साथ ही मनुस्मृति हमारा मिसोजिनी अवार्ड जीती है, ये तालियां। लिटरली ट्रू। ऐसे कई और वर्सेस लिस्टेड हैं मनुस्मृति में औरतों के खिलाफ
और इन सब वर्सेस की कंपाइलेशन करके भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने ये भी बताया है कि मनुस्मृति है क्या और मनु जी कौन थे, आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैदानी जंग की लूटपाट से औरतें क्लियरली डरती थी ऑब्वियसली, लेकिन औरतों का लूटे जाना उनके परिवार या राज्य के लिए शर्म की बात मानी जाती थी, अ डिस्ग्रेस। और ऐसी लूटपाट ना हो इसके लिए उन्होंने अपने ही कुल की औरतों को हार के बाद खुद से ही मर जाने की सलाह दी है, ये नहीं कि ये औरतों की लूटपाट पे लीगली रोक लगा दे। मर्द की थो अपने नो कंट्रोल कर देने, वो मर्द है, बॉयज विल बी बॉयज, वो तो लूटपाट मचाएंगे ही, और अगर आपको उससे बचना है तो यही साबित होता है हमारे फोर्थ इंसिडेंट से। ये इंसिडेंट हमें कालहान की किताब राज तरंगिनी के चैप्टर 7 वर्सेस 1548 से 1580 में मिलता है। 1101 CE में जब राजा हर्ष के किंगडम पे अटैक हुआ, राजा हर्ष बाय द वे इंडिया के मंदिर तोड़ू राजा सुप्रीम है, मैंने ये लास्ट वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर देती हूँ। कमिंग बैक, 1101 CE में जब राजा हर्ष के किंगडम पे अटैक हुआ, टू बी स्पेसिफिक श्रीनगर पे अटैक हुआ राजा उच्छल द्वारा, तब काफी औरतों की जाने गई। उच्छल राजा हर्ष के ही रिलेटिव थे और हर्ष के बेटे भोज से जलते थे, नहीं चाहते थे कि हर्ष के बाद वही राजा बने। खैर, तो उन्होंने अटैक किया श्रीनगर पे हर्ष के खिलाफ और डामरों के साथ। डामर मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था फ्यूरल लॉर्ड्स थे। तो उच्छल ने जब अटैक किया तब उनकी आर्मी से बचने के लिए राजा हर्ष की रानियां अपने राजमहल के चार खंबे वाले अहाते में चली गई ताकि खुद को अग्नि को समर्पित कर सकें, यानी खुद को आग लगा सकें। वर्स 1571 में साफ लिखा है कि दुश्मन के डर से, यानी राजा उच्छल की सेना के डर से, रानियों ने चार खंबे वाले अहाते को आग लगाना शुरू कर दिया। वर्स 1578 कहता है कि उच्छल के डामर हर जगह राजा के हरम की औरतों को उठाते दिखे, जिनकी तुलना कालहान परियों से करते हैं। और इसी से बचने के लिए 1579 वर्स कहता है कि हर्ष की रानी वसंत लेखा के साथ और 17 औरतें, जिनमें से कुछ हर्ष की बहुएं यानी डॉटर इन लॉज भी थी, वो सब ने खुद को आग लगा ली। जो इन औरतों ने किया उसे जौहर के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत में ये गलत धारणा है कि जौहर तब शुरू हुआ जब तुर्की राजा ने भारत में कदम रखा, यानी 13वीं शताब्दी में, और ये जौहर हमेशा तभी होता था जब आक्रमणकारी मुस्लिम राजा हो। Well, that's hilariously incorrect. यहाँ दोनों लड़ने वाली आर्मीज के हेड्स यानी राजा हर्ष और उच्छल ना केवल हिंदू थे बल्कि कश्मीर के राज घराने के ही थे। कालहान यहाँ किसी तुर्की का जिक्र नहीं करते। जौहर हिंदू डामर से बचने के लिए हुआ था क्योंकि वो औरतों को उठाकर ले जा रहे थे। जौहर की प्रथा के लिए औरतों को यह सिखाया जाता है कि वो अपने घराने की इज्जत हैं, तो इससे पहले कि कोई पराए घराने का मर्द उस इज्जत पे हाथ डाले, तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए देह त्याग दो, यानी औरत की जान का मोल कुछ नहीं, बस घराने की इज्जत का है। इसे आज एक अच्छी और बहादुर एक्ट से नवाजा जाता है, बजाय इसके कि लानत दी जाए उन सब राजाओं पे जो औरतों के साथ मैदानी जंग में जोर जबरदस्ती करें। इतने जघन्य अपराध को, लिटरली सेटिंग योरसेल्फ ऑन फायर को महान बताना मेक्स मी गैग। यू ये हर्ष के हर्म की औरतों का जौहर वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस है। क्लियरली ये प्रथा तुर्कियों के आने से काफी पहले से चली आ रही थी, इसीलिए देन जौहर हिंदू वर्सेस हिंदू बैटल्स में भी होता रहा है। याद रहे बाकी एग्जाम्पल्स की तरह यहां भी औरतें जंग का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ
अनस्पीकेबल वायलेंस किया गया। ये माना जाता आ रहा है कि हिंदू राजा वर्सेस हिंदू राजा वाली फाइट्स में औरतों का सम्मान किया जाता था, उन्हें मैदान जंग से इसीलिए उठा के लिया जाता था ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। इट्स काइंड ऑफ सैड दैट इट मेक्स मी लाफ, बट इट्स सॉलिडली ट्रेजिकॉमिक। हिंदू वर्सेस हिंदू फाइट्स में औरतों का नाक काटा जाता था, उन्हें उठा के पेंतती यानी स्लेव बनाया जाता था, या फिर उन्हें खुद से ही जल जाओ सिखाया जाता था, बजाय इसके कि औरतों के लूटपाट पे रोक लगाई जाए, उनकी लूटपाट को मनुस्मृति जैसे लीगल टेक्स में सही ठहराया जाता था। मेरा औचित्य यहां किसी धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाने का नहीं है, मेरा औचित्य बस इतना है कि आप समझ सकें कि औरतों के खिलाफ हिंदुस्तानी इतिहास में कितने हॉरिबल अपराध हुए हैं, और जो भी इन सब को छुपाने की या मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा उसका आई शैडो इतिहास पे जरूर पर्दाफाश होगा। तो ये था आज का एपिसोड, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाने से पहले मैं याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है अगर आप अपनी जिज्ञासा वश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए एपिसोड के साथ।